ओके यार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट टाइम जो अपडेट वाला जो कोड किया था, मैं यहाँ पे आपको व्यू का पेज ओपन कर देता हूँ। ये हमने व्यू का पेज ओपन किया। ओके, यहाँ पे हम कोई भी रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इस रिकॉर्ड को मैंने अपडेट करना है, ये मैंने क्लिक किया और आपका ये ओपन हो गया। ओके, जस्ट वेट, यहाँ पे हमने ये काम किया हुआ था, आपकी डेटा आ रहा है। हम यहाँ पे कोई भी डेटा को अपडेट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर, यहाँ पे कर देता हूँ केस की एज 10, अली अहमद की जगह यहाँ पे कर देता हूँ उस्मान, नाम में ये रहने देता हूँ। ये मैंने किया, आपका रिकॉर्ड अपडेटेड आता है लेकिन साथ में आपको ये एरर्स आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका देखो यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, अली उस्मान और ये लाहौर। इसकी गलती यार यहाँ पे ये थी, ये लास्ट क्लास में मैंने बताना था लेकिन हमने इसको वाइंड अप यहाँ पे किया था। इसकी यार यहाँ पे गलती ये थी कि जब आप एक दफा वैल्यू देते हो ना, उसके बाद आपकी वैल्यूज वेरिएबल्स खाली हो जाते हैं। वो खाली क्यों हो जाते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि आप जब इस पेज से इस पेज पे आए हो, मैंने इस पे क्लिक किया तो इसकी आईडी यहाँ पे क्या है, 6। यहाँ पे देखो ये आईडी यहाँ पे पास हुई है, 6 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप रिकॉर्ड सेव करते हो तो आपकी यहाँ से आईडी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने फिर यूआरएल में क्या सेव करवा रहे होते हो, तो मैसेज सेव करवा रहे हो, तो आपकी यूआरएल में से आईडी रिमूव। जब आईडी रिमूव हो गई है तो ये स्टार्ट वाला आपका कोड चल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करके आईडी डिमांड कर, अब यूआरएल में बटन पे क्लिक होने के बाद आईडी फिनिश हो गई है, आईडी का तो आपने वेरिएबल खत्म कर दिया है, तो इस वजह से हमारी वाली वेरिएबल्स नहीं चेहरे, तभी आपको जाके वो वहाँ पे एरर दे रहा है। इसके दो सिनेरियो हैं, दो सिनेरियो ये हैं, या तो आप इसको इफ के कोड में कर दो, या दूसरा सिनेरियो ये है कि जब आप यहाँ पे लोकेशन सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आईडी रिमूव ना करो, फिर उसको मसला नहीं है, लेकिन आईडी हमने रिमूव करनी होती है, वो लॉजिक गलत है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे करना होगा आपका, जब आप इंसर्ट करते थे, आप डायरेक्ट अगर देते थे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, आपको एरर दे रहा होता था, वो हमने क्या लगाया था उसके लिए, इफ इज सेट, सेम लाइक यहाँ पे लगा रहा हूँ, इफ इस सेट लगाऊंगा, लेकिन उसमें हमने यूज किया था डालने फॉर पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट या गेट जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं। तो आप वहां पे क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट कि अगर ये वाली आईडी आपको यूआरएल पे मिल रही है तो जाके ये वाला कोड चले, अदरवाइज नहीं चलेगा। डन बात यहां तक। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा, इस सारे कोड को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और सारे कोड को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, इसके अंदर हम कर देते हैं डन। वेट, ओके, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, जब आपने ये वाला काम किया तो उसका होगा काम खराब, ये होगा कि ये मैं, चलो इस रिकॉर्ड को मैं 12 वाले रिकॉर्ड को एडिट कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं हमजा, मैंने ये रिकॉर्ड लिखा और अपडेट रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड अपडेट हुआ, ठीक है। मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, यहां पे भी अपडेट हो गया, लेकिन यहां पे अब एरर दे रहा है। अब ऊपर वाले एरर्स नहीं आ रहे लेकिन नीचे एरर्स आ रहे हैं। ये अब आप किसके अंदर एरर्स आ रहे हैं, इनपुट बॉक्स के अंदर। इनपुट बॉक्स के अंदर आपके एरर क्यों आ रहे, क्योंकि आपने इनपुट बॉक्स के अंदर ये वैल्यू यूज किया था। अगर अभी चेक करें, ये वैल्यू में लिखा था ना, ये PHP इको डॉलर नेम। ओके, अब डॉलर नेम, डॉलर एफ नेम, डॉलर एज, डॉलर एड्रेस, ये कौन से वेरिएबल्स थे, ये वाले वेरिएबल्स थे, ये वाले वेरिएबल्स थे। आपने सेव जब किया, यूआरएल से आईडी खत्म हो गया, लेकिन इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो आपको एरर्स जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन वो इन वेरिएबल्स को भी तो फाउंड नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको एरर कहां पे दे रहा है, आपको
इनपुट इनबॉक्स में, क्योंकि उसको वेरिएबल तो फाइंड नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला यूज करना है, हर जगह ये लगा देना है इफ इज सेट, कि अगर ये वाली क्लिक है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये हमारा पीएचपी का कोड है, मैं यहाँ पे आके इफ इस सेट वाला जो कोड है ये मैं यहाँ पे आके लगाता हूँ। मैंने कॉपी किया इस पीएचपी के कोड के अंदर, मैंने यहाँ पे इफ इस सेट डॉलर रिक्वेस्ट आईडी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद मेरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। हाँ अलग अलग लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका ये आपको पता है ये आपका सारा बाहर वाला आपका सारा एचटीएमएल में कोड है। PHP के अंदर लेकिन वो आपको हर जगह इको लगाना पड़ेगा। वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपके लिए पजल हो जाएगा, काम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको नजर आ रहा होगा इको यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इको यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो उस तरह कर सकते हो लेकिन वो बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं इफ इट्स सेट, यहां से किया ये ब्रैकेट क्लोज, सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे इफ इट्स सेट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहां पे भी शुरू करता हूं। मतलब हर वेरिएबल को मैंने किसके अंदर कर दिया, इस इट्स सेट के अंदर। अब आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं, कोई एरर नहीं आ रहा, क्लियर। ठीक है, अच्छा इसको वैल्यूज देके एक मिनट बताता हूँ, यहां तक बात क्लियर, ओके। अच्छा इस सिनेरियो को हम इस तरह भी हैंडल कर सकते थे कि अगर मैं इफ इस सेट यहां नहीं लगाता, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये इस तरह हो जाना चाहिए। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं डॉलर पीएचपी इफ इस सेट, यहां से मैंने शुरू किया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद की और साथ ही मैं यहाँ पे भी पीएचपी बंद कर रहा हूँ और यहाँ से मैं पीएचपी दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये आपको थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा समझना, इस तरह भी आपका काम ओके है, इस तरह वाला काम भी आपका ओके है कि मैंने हर किसी के अंदर नहीं बताया इको, मैंने क्या किया इस फॉर्म से पहले पीएचपी स्टार्ट किया, ये टैग बंद किया और इफ इस सेट की ब्रैकेट से स्टार्ट किया। ठीक है, आपका कोड ये चल रहा है, यहां तक आपका चल, जहां उसको पीएचपी मिल रहा है वो कोड चला रहा है। ठीक है, और यहां पे आके मैंने ये बंद भी कर दी, कर्ली ब्रैकेट से बंद की, कर्ली ब्रैकेट ये पीएचपी की थी तो मुझे किसके अंदर कोड करना पड़ा, ये पीएचपी के टैग में। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल की नहीं थी, हमारी पीएचपी कर्ली ब्रैकेट थी तो मैंने पीएचपी का टैग लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट बंद की, मैंने सारे फॉर्म को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले आया। एक ये सिनेरियो भी हो सकता है अगर आप कह रहे हो कि मैंने बार बार इस पीएचपी के इको के अंदर ये काम नहीं करना, इजी है लेकिन हर काम करने का इजी तरीका समझने का होता है ना, इस तरह आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, डन ओके। अच्छा अब दूसरी बात यह है कि आप लोग कहोगे कि अपडेट करने के बाद, पहली बात वो अपडेट के पेज पे नहीं रहता, उसको हम व्यू के पेज पे भेजते हैं, डन। अपडेट जब हमारा रिकॉर्ड हो जाए उसको मैं भी अपडेट के पेज पे रख रहा हूँ, हमने उसको अपडेट के पेज पे नहीं रखना, हमने उसको किस पेज पे भेजना है, व्यू के पेज पे, क्लियर। तो व्यू के पेज पे भेजने का तरीका क्या है कि जब आपको एक कोड चल जाए, जब मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो यहाँ पे लोकेशन क्या दी हुई मैंने अपडेट की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू की, और मैसेज में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्योंकि वहां पे भी एक मैसेज मैसेज के नाम से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट, अपडेट मैसेज इज इक्वल टू डॉलर मैसेज, मैंने जरा वेरिएबल चेंज कर दिया, अपडेट मैसेज इज इक्वल टू डॉलर मैसेज, और हाँ ये वेरिएबल है क्योंकि वहां पे भी एक मैसेज मैंने बनाया हुआ, दोनों वेरिएबल आपके सेम हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग था तो मैंने हाँ वेरिएबल के नाम मैंने चेंज कर दिया ताकि आपके लिए पिक करना इजी हो। अच्छा तो ये जो हमने ऊपर ये वाला कोड किया हुआ था
इस कोड को मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, फिर मैं किधर लगाऊंगा, क्योंकि इस पेज पे तो रहेगा नहीं है। इस पेज को मैंने यहाँ से कट किया, इस कोड को, ठीक है। ये हम कहाँ पे ले जाएंगे, ये हम ले जाएंगे व्यू के पेज में। व्यू के पेज में आपने जहां पे भी दिखाना हो, व्यू के पेज में मैंने पी का टैग नहीं लगाया हुआ। मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूं, इसके नीचे हम दिखा देते हैं यहाँ पे, मतलब हेडिंग के बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ इज सेट डॉलर सेट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मेरा यहाँ पे क्या है, अपडेट मैसेज। अगर उसको अपडेट मैसेज गेट हुआ है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दिखा दे, वो अपडेट मैसेज की यहाँ पे आपको वैल्यू दिखा दे, ठीक है। बाकी इसको मैं हेडिंग टू में कर देता हूँ, नोट इज इन पी हेडिंग टू, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, कलर ग्रीन, ओके। ये मैंने कलर ग्रीन कर दिया, अब मैं इस पे यहां पे क्लिक करता हूं, इधर आगे मैं यहां पे दे देता हूं और ये उमर रसम, क्लियर डन। अच्छा, हमारा काम एडिट वाला कंप्लीट हो गया। अब हमने काम कौन से वाला करना है, कौन सा काम करना है, डिलीट का। अच्छा, ये आपको ना इधर दिखा रहा है बिल्कुल हद से, क्योंकि ये वाला कोड हमने कंटेनर के अंदर नहीं किया। अगर आप इस कोड को सारा उठा के कंटेनर के अंदर ले आओगे, मतलब इस कंटेनर के अंदर, अब ये आपका गैप के बाद शो, मतलब आपका कहाँ पे शो होगा, इस साइड से, क्लियर बात। यहाँ तक कंटेनर गैप लेते व्यू में खुद आया, क्योंकि आपने वहां पे लोकेशन दी हुई थी व्यू के पेज पे लगे जाने, तो लोकेशन दी थी, हमने लोकेशन दी है, तब आपको काम मूव हो गया ऑटोमेटिकली व्यू के पेज पे, डन, ओके। अब हमने जरा डिलीट कोड देखना है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ओके। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं सारे, वो कौन से हैं, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्लियर। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। रिकॉर्ड डिलीट किस तरह करोगे, रिकॉर्ड डिलीट करने की जो क्यूरी होती है वो क्या होती है, डिलीट वर्ड, डिलीट डिलीट एस्टेरिक फ्रॉम टेबल टेस्ट डॉट स्टूडेंट, आगे एस्टेरिक वाली बात नहीं होता, ठीक है। सर, आप इस तरह से कर सकते हैं ना कि आप उसको बता सकते हैं कि जिसकी आईडी ये है, तो डिलीट के बाद जो आएगा, सेलेक्ट के बाद जो आता है वो कॉलम्स नेम आता है। आप कॉलम्स नेम को डिलीट नहीं कर रहे, पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी सुनो, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेस्ट, मेरी डेटाबेस का नाम है। इसका मतलब है उसने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, जिसने मैंने आपको अपडेट की बात बताई थी, ठीक है, जिसने मैंने आपको अपडेट की बात बताई थी। तो हम क्या लगाते हैं, हम ऐसा के वेयर लगाते हैं, वेयर क्लॉज हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो सारे रिकॉर्ड डिलीट करे, स्पेसिफिक करे जिसको हम कह रहे हैं डिलीट करने को, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, वेयर एज इज इक्वल टू 20। अब कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे, एज वाले 20 वाले जितने भी होंगे डिलीट करेंगे, एज 20 वाले दो रिकॉर्ड हैं यहाँ पे, डन। इसको मैं यहाँ पे किया, फिर एस आई डी इज इक्वल टू 3 वाला रिकॉर्ड डिलीट कर लेते हैं,
के रिमूव हो गया। उसके बाद मैं दोबारा चलाता हूँ, जिसकी आईडी 3 थी। एक चार रिकॉर्ड पहले नजर आते हैं ना आपको, डिलीट। रिकॉर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड, पूरी लाइन रो की बात होती है, ठीक है। रिकॉर्ड ये MySQL में इसमें नहीं चलता, वर्कबेंच में एक साथ सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकते। मैं PHP में कर देता हूँ, इसमें नहीं होंगे। मैं PHP में आपको करके दिखा देता हूँ। एज एक स्पेसिफिक आईडी में से बंदे की एज को आपने सिर्फ रिमूव करवाना है, बाकी सब कुछ है। वो अपडेट ही क्यों रही है? वो एक ही आपका कॉलम डिलीट नहीं हो सकता। नहीं, कॉलम तो डिलीट नहीं होगा। कॉलम का मतलब हो गया कि आपने सारे रिकॉर्ड्स का एक वो एज वाला कॉलम आप रिमूव कर रहे हो, वो अल्टर की क्यूरी है, वो भी मैंने करवानी है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं पूरा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड मतलब पूरी रो की बात कर रहे हैं। एक कौन सी रो डिलीट करनी है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे वेयर में बताया कि जिसकी आईडी 3 है वो वाला रिकॉर्ड मैंने यहाँ से रिमूव कर दे। अच्छा, अब यही कोड मैंने आके यूज करना है। ये डिलीट क्लियर हो गया आपको? ओके डन। अब इसके लिए हम व्यू के पेज में आते हैं। व्यू के पेज में उसको हमने डिलीट के पेज में भेजना होगा। जिस तरह आप लोग इधर देखो, मैंने यहाँ पे यूज किया था AHREF, उसको अपडेट के पेज से भेज रहा था, डन विद आईडी। ऐसे आईडी हमारी वेरिएबल कौन सी थी जो हमने ऊपर एक सेव करवाया हुआ है, डन। हमने व्यू में कोड किया था। सेम कॉन्सेप्ट में इस रिमूव के साथ भी करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखना है कि इसको भेज दो डिलीट डॉट PHP वाले पेज में, जो भी मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन मार्क जिसकी आईडी इज इक्वल टू क्या है, डॉलर SID, ठीक है, क्लियर। जिसकी आईडी यहां पे क्या है, डॉलर आईडी। हम एक पेज बना लेते हैं, इस पेज को मैं यहां पे बना लेता हूं डिलीट डॉट PHP। वो आपको किस पेज पे लेके आएगा, ऑटोमेटिकली आपको इस पेज पे लेके आएगा। ये अपडेट में बंद कर देता हूं। ये अब आपको जब आप व्यू पे क्लिक करोगे, अब आपको कौन से पेज पे ले आएगा, क्योंकि आपने HRF में बताया हुआ है कि डिलीट डॉट PHP के, और ये आईडी आप पास करा रहे हैं कि जिस रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे तो उसकी आईडी वहां पे जा रही होगी। अब आपको मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अली पे क्लिक करता हूँ, अली पे क्लिक करता हूँ, दिस वन। ID 6, ठीक है। जौन सी आपकी आईडी आ रही है, आपकी यहाँ पे आईडी ओपन हो रही है। अच्छा, अब आपको एडिट का जब हमने काम किया था, हमने एक एडिट का पेज पे फॉर्म बनाया था ना, क्योंकि हमें वहां पे फॉर्म की जरूरत थी। डिलीट वाले पेज पे तो हमें जरूरत नहीं होनी। डिलीट पे हमने क्या करना है कि ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर दे, उसका पेज आपको ओपन कराने की जरूरत तो नहीं पड़नी। मैं जब डिलीट पे क्लिक करूँ तो आपका ऑटोमेटिकली डिलीट का पेज, वो डिलीट वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए। तो अब मुझे यहाँ पे HTML कोड तो करना नहीं है, तो ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्म वगैरह कुछ तो बनाना नहीं है। मैंने जस्ट क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो हमने सारा PHP कोड करना है इसके अंदर। कौन सा कोड करना है, PHP कोड। सबसे पहले कनेक्शन लगाते हैं, रिक्वायर में कनेक्शन लगाता हूँ। कनेक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ, कनेक्शन के फोल्डर के अंदर कनेक्शन डॉट PHP वाली फाइल। अब कनेक्शन लग गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्यूरी लिखनी है, क्योंकि हमने इसमें HTML कोड तो सारा करना नहीं है। क्यूरी हमने यहाँ पे क्या लिखनी है, क्यूरी हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। व्हाट इज टेबल नेम, स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। आगे अब ये लिखोगे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। वेयर कॉलम नेम हमारा यहाँ पे क्या है, तो
एबीसी हमारे डेटाबेस का नाम था, उसके अंदर स्टूडेंट हमारा ये रिकॉर्ड है, हमारे कॉलम का नाम यहाँ पे क्या है, एस आई डी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेयर एस आई डी इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉल्ट लिख दोगे तो आपका फिक्स हो जाएगा, जितनी बार डिलीट करोगे फॉल्ट डिलीट होगा। मैंने ये वैल्यू कहाँ से लेनी है, फ्रॉम यू आर एल। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अगेन वही लिखोगे, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट के अंदर लिख देंगे हम, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखा था, वेयर आई डी इज इक्वल टू, हाँ मैंने यहाँ पे आई डी रखा था, और इसको मैं सेव करवा देता हूँ, डॉलर आई डी इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा वेयर एस आई डी इज इक्वल टू डॉलर। क्लियर, वेयर आई डी इज इक्वल टू डॉलर आई डी। यहाँ तक कोई मसला किसी को? ओके अच्छा, इसके बाद ये क्यूरी चलाने का तरीका क्या होता है, माई एसक्यूलाई अंडरस्कोर क्यूरी, इस क्यूरी के अंदर पहले कनेक्शन का वेरिएबल पास करते हैं और दूसरा वेरिएबल मेरा कौन सा होता है, क्यूरी का। क्लियर, और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूं, डॉलर आरईएस, डॉलर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, डॉलर आरईएस, और यहां पे लिख देता हूं, या आरईएस की जरूरत नहीं है, मैं मैसेज नहीं दिखाना चाहता, अगर मैसेज दिखाना चाहता तो ठीक है, मैं पे MySQLite underscore query, और साथ ही मैं हेडर लगा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं लोकेशन व्यू डॉट पी एच पी, हेडर में मैंने क्या लगा दिया, लोकेशन व्यू डॉट पी एच पी। अब ये होगा क्या, उसने कनेक्शन लगा दिया, कनेक्शन के बाद आईडी रिक्वेस्ट कर रहा है, क्यूरी लगा दिया आपने MySQL underscore query में, आपने कनेक्शन में क्यूरी चला दिया, और ये लोकेशन आप ऑटोमेटिकली व्यू डॉट पी एच पी पे आप भेज रहे हो, यहाँ पे ना कोई इफ है ना कोई कुछ है कि वो उसका वेट करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपका डिलीट का पेज तो ओपन होना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको दोबारा कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, व्यू का, क्योंकि आप देखो आपका काम जब इतनी स्पीड में हो रहा है, आप यहाँ पे डिलीट का पेज तो ओपन करवा ही नहीं रहे हो, वो डायरेक्ट आईडी पिक करके डिलीट करके दोबारा व्यू का पेज ओपन करो हो रहा, आपका डिलीट का पेज ओपन हो ही नहीं रहा है, चल रहा है लेकिन दोबारा आपका रिलोड कौन सा हो जाएगा, व्यू का पेज, क्योंकि आपने यहाँ पे इस हेडर को किसी इफ के कंडीशन के अंदर नहीं रखा हुआ, कि क्लिक करने के बाद आप कुछ कह रहे हो कि मैं क्लिक करूं तो हमारा पेज व्यू में जाए, आपने यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है इस पीएचपी कोड के अंदर हेडर, दिस मींस कि ये ओपन होने के बाद डायरेक्ट दोबारा व्यू का पेज ओपन कर रहा है, तो आपका लेकिन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। आपको बिल्कुल यस, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे वाला रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, इलाही बॉश हो गया रिमूव, ठीक है, ये आपका उमर हसन, क्या चीज, वो अब आप यूज करना जावास्क्रिप्ट, इंडेक्स डॉट पी एच पी, इस पे मैंने बनानी है नेविगेशन, नेविगेशन बार सर, वो इसको रिक्वेस्ट के बगैर वाला नहीं काम कराना चाहिए, आपको पता है मैं नेविगेशन क्यों लगा रहा हूँ, आपको पेज यहाँ से चेंज करने पड़ रहे हैं, आप नेविगेशन के थ्रू पेज चेंज करो, ओके इधर देखें बाबलो, इंडेक्स के पेज में मैं बना रहा हूँ कोड, बिल्कुल बॉडी के नीचे टॉप पे में नेविगेशन नजर आए, नेफ का टैग लगा रहे हैं, नेफ का टैग क्लोज, इसको हम क्लास लगा रहे थे बूटस्ट्रैप में, मैं बता रहा हूँ नेफ बार नेफ की, क्लियर, नेफ बार नेफ की क्लास लगानी है, उसके बाद आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना,
तो इसके अंदर मैं अंदर लगा रहा हूँ स्पेस, तो थोड़ी अंदर के स्पेस आ जाए, तो मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ कंटेनर फ्लूइड की, कंटेनर की लगाओगे तो बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेव की क्लास लगाई, अंदर कौन सी लगा रहा हूँ, कंटेनर फ्लूइड की। उसके बाद आप लोगों ने लिस्टिंग करनी है, मैं यूएल का टैग लगा रहा हूँ, उसके अंदर एलआई का टैग लगा रहा हूँ, एलआई एलआई के अंदर ए का टैग, ए का टैग हम लगाएंगे फॉर क्लिक्स। ठीक है, अच्छा इस यूएल के अंदर मैं कौन सी क्लास लगाऊंगा, क्लास सॉरी नेव स्पेस नेव बार डिफॉल्ट, क्लियर ओके। इसको डिफॉल्ट दे दिया, अब इसके अंदर हम लिख देते हैं फर्स्ट वन, मैं आपको यहां पे दे देता हूं कि फर्स्ट वन मेरा होम है, होम का मतलब मेरा इंसर्ट हो गया। दूसरा एक मैंने बनाया हुआ है व्यू का, एक मैंने बनाया हुआ है अपडेट का पेज, हमने यहां से ओपन नहीं करना, वो खुद ब खुद ओपन होगा। ठीक है, और डिलीट का पेज भी हमने यहां से ओपन नहीं करना। बाकी मैं यहां पे बता लिख बना लेता हूं लॉगआउट का, जब हम लॉगआउट करेंगे तभी आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा, क्लियर कोई मसला। उसके बाद इस व्यू के अंदर मैं यहां पे ले दूंगा एच आर ई एफ, इसके अंदर एच आर ई एफ मैं लिख देता हूं व्यू के पेज के अंदर व्यू डॉट पी एच पी, उसमें हम एच टी एम एल लगाते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे व्यू डॉट पी एच पी, और इसके इसके एच आर ई एफ के अंदर मैं यहां पे क्या दे रहा हूं हैश, ये डमी लिंक बना रहा हूं। और होम के अंदर कौन सा पेज ओपन हो जाएगा आपका इंडेक्स, डन। बाकी डिलीट और अपडेट आपने ऐसे यहां से ओपन नहीं करना, डिलीट और अपडेट आपके व्यू से ओपन होंगे। यहां तक कोई मसला, ये आपका सारा कोड है नेविगेशन का, डन ओके। अच्छा अब ये आपको सारा कोड ना, अब आपको ये आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये कोड आपको यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ेगा, कौन से पेज पे, ये तो आपका इंडेक्स का पेज है, डिलीट का पेज तो ओपन नहीं होना, अपडेट के पेज में आपको जरूरत नहीं पड़नी, और दूसरा आपका पेज है व्यू के पेज जिसमें आपको एक आपका पेज ओपन हो रहा, आपको यहाँ पे भी ये नेविगेशन का कोड लगाना पड़ेगा, हेयर ये लाइन्स आपको लगानी पड़ रही है। बाद में मैं चेंजिंग करता हूँ कोड में, आपको कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी हर जगह। तो अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था रिक्वायर का, रिक्वायर क्या करती थी, अटैचमेंट करती थी फाइल की। ठीक है, हमने कनेक्शन की एक फाइल बनाई थी, वो भी इस तरह ही काम था कि मुझे हर जगह चेंजिंग करनी पड़ी थी, लेकिन मैंने उसके अंदर कौन सा यूज किया था रिक्वायर। अच्छा अब मैं दोबारा वही काम कर रहा हूँ, मैं एक पीएचपी की फाइल बना रहा हूँ और सारा कोड रिमूव करके यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ नेविगेशन का कोड। क्लियर, ये सारा कोड मैंने कहाँ पेस्ट कर दिया, एक अलग फाइल में, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ नेफ कोड। क्लियर, अब मुझे हर जगह बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, रिक्वायर्ड लगाऊंगा इंक्लूड लगाऊंगा, क्या ख्याल है, रिक्वायर्ड या इंक्लूड, गुड इंक्लूड, इंक्लूड लगाऊंगा क्योंकि ये जरूरी नहीं है, अगर लोड नहीं हो रहा तो भी आपका कोड चल जाए। और इंक्लूड के अंदर हमने फाइल बाहरी रखी हुई है, तो इसका था नेफ कोड डॉट पी एच पी के नाम से हमारी फाइल है, इस फाइल को मैंने यहाँ पे अटैच कर दी। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये एक लाइन लिखनी पड़ रही है, आप वहीं से फाइल को चेंजिंग कर देंगे, ये आपके देखो ये फाइल अटैच हो गई है नेफ कोड, डन। और यही काम हम इंडेक्स में करेंगे, अब आपको ये हर जगह ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी, डन क्लियर। ये नेफ कोड में अगर कोई इश्यू है तो मुझसे पूछो। अब हम दोबारा ओपन करता हूं मैं यहां से, आपकी ये बन गई। ठीक है, इसमें भी एक मसला है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर अभी आपने एक बनाना है डिव, और इसको क्लास देनी है यहाँ पे इशू ये आता है कि
इसके अंदर आपको बूटस्ट्रैप क्लासेस लोड नहीं होनी। मैं पहले नीचे एक कोड बना लेता हूँ ताकि मुझे बूटस्ट्रैप क्लासेस लोड हो जाए। नेव बार, यहाँ पे कौन सी क्लास लगाते हैं उसके लिए हेडर, नेव बार हेडर, जो हमारा हेडर होगा उसके अंदर मैं एक अटैग लगा रहा हूँ ए एच आर ई एफ हैश, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा एडमिन पैनल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको क्लास लगा देता हूँ मैं नेव बार ब्रांड की। ये करने के बाद इसको मैं बार हेडर जो है बूटस्ट्रैप 3 है। आप बूटस्ट्रैप 4 की बात कर रहे हो? यस सर, मैंने 4 पढ़ा। ये सारा एक ही फाइल से आ रहा है? हाँ, यूज़ में तो नहीं ना आपने इसका? मैंने सिर्फ इंक्लूड लगाया, वो भी मैं करता हूँ। यहाँ तो कोई मसला किसी को? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फाइल को अटैच लगाने के बाद यहाँ पे मैंने बस इंक्लूड यूज किया, यूज होना था आपको, यूज होना था खाली नेफ बार। ठीक है, अब ये देखें, अब आपको ही ओके। अब अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, आपको ये पेज ओपन हो रहा है, मैं व्यू पे ओपन क्लिक करता हूँ, मेरा ये पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, इंक्लूड करने का फायदा ये होगा, अगर आप एक जगह से चेंज करोगे तो आपकी हर जगह से चेंज हो जाएगा। ये आप समझ लो ये आपकी वही काम हो रहा है जिसमें आपको एक्सटर्नल सीएसएस नहीं होती थी। ये आप उसको एक्सटर्नल सीएसएस क्यों करते थे? एक जगह काम करके हर जगह शेयर हो रही होती थी, तो हम एक जगह चेंजिंग करते थे, हर जगह चेंजिंग हो जाती थी। तो ये आपको ये भी काम वही कर रहा है, रिक्वायर और इंक्लूड दोनों ही हम यूज करते हैं फॉर अटैचमेंट फाइल इन पीएचपी। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली फाइल अटैच हो जाती है, तो आप उसमें चेंजिंग करोगे तो आपकी हर जगह से चेंजिंग हो गई है। आप लोगों ने, आप लोगों में एक चीज क्लियर कर देता